अजमेर में मुहर्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अंजुमन की ओर से मुहर्रम की शक्ल में ताजिया बनाया जा रहा है। एक महीने से पहले ताजिया बनना शुरू कर दिया गया है। ताजिया शरीफ बनाने वालों ने जानकारी देते हुए कहा कि बकरा ईद से बाद से ही ताजिया शरीफ बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। ये ताजिया शरीफ दरगाह अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्ती सैयद जादगान की ओर से बनाया जाता है। ये ताजिया शरीफ दरगाह के अकबरी मस्जिद के नीचे बनाया जाता है। ताजिया शरीफ बनाने के लिए नवी पीढ़ी यही काम करती है। हर साल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आकर ताजिया शरीफ बनाने का काम करते हैं। मुहर्रम का चांद नजर आने के साथ ही दरगाह क्षेत्र में ढोल नगाड़े के चहल पहल शुरू हो जाती है। चांद की 1 तारीख से 10 तारीख तक मुहर्रम की रसूमात निभाई जाती है। ये सफर साजिश तैयार किया जा रहा है, अंजुमन सैयद जादगान खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज की जानिब से किया जा रहा है। इसमें 11 तारीख को जो ईद उल फितर शवाल का महीना होता है रमज़ान के बाद, 11 तारीख को शुरू करते हैं इसको। उसके बाद में ये मुहर्रम की चांद रात तक तैयार कर दिया जाता है। अभी इस वक्त यहाँ पर जो है अकबरी मस्जिद के ये उजरा यहाँ पर तैयारी हो रही है इसकी, और इसके बाद में मकबरा रामपुर दरगाह शरीफ में जो है वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। इसमें कम से कम 2.5-3 महीने लग जाते हैं, और तमाम इसका सरफा है जो खर्चा तमाम खुदाम साहिबान जो सैदान देती है। कितने 4-1 जने लगते हैं हमारे भतीजे भाई वगैरह। कितनी पीढ़ियों से ये काम चला रहा है? ये नवी पीढ़ी है हमारी।